बहुजन समाज का जो संगठन है बाम सेफ, उसका इस लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी? हमारे साथ आलोक चंद्रवंशी जी हैं, बाम सेफ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और अभी नवादा जिले में हैं। क्या भूमिका होगी आपकी बाम सेफ की चुनाव में? देखिए, पहले हमारे लोगों का जो समाज में दो तरह के संगठन है, हाँ, इसको समझना होगा लोगों को, हाँ, एक है स्वार्थ, अच्छा, और एक है विचार, हाँ। स्वार्थ से व्यक्ति पैदा होता है और व्यक्ति से आदमी पैदा होता है। आदमी का मतलब होता है जो गुलाम चापलूस टाइप के, और विचार से संगठन पैदा होता है और संगठन से लोग पैदा होते हैं। लोग के मतलब है जो कैडर के हिसाब से, जो विचार की कैडर रहते हैं। सिद्धांत वाला ज्यादा नहीं बोली अभी, अभी चुनाव हुआ बाम सेफ, जैसे आप लोग को क्या बाम सेफ को भी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? हाँ, बाम सेफ को भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में, इसलिए लगता है कि जब से ईवीएम आया है तो चुनाव में पारदर्शिता नहीं है। लोगों के दिमाग में है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक और से भी गुड्स हैक हो सकते हैं, तो ईवीएम भी हैक होता होगा, समझ गए ना? तो जहाँ लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं है, अब पारदर्शिता के चलते लोग डिमांड कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, बैलेट पेपर से हो, या बीपी पैड का जो पर्ची होता है वो पर्ची का भी काउंट किया जाए, ताकि कम से कम लोगों के दिमाग में जो शंका बन गई है कि ईवीएम से पारदर्शिता नहीं है, तो पारदर्शिता लाने के लिए ये चुनाव आयोग को कह रहा है कि आप कई साल पीछे चल जाइएगा बैलेट पेपर से चुनाव कराने में। जहाँ जहाँ जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को बचाना है, और लोकतंत्र को क्या हो गया, और एक मिनट, लोकतंत्र को बचाना है, अगर लोकतंत्र के बारे में लोगों के दिमाग में शंका आ गया कि हमने मताधिकार का प्रयोग किया और हमारा हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस शंका को मिटाना पड़ेगा। और बहुत सारे देश जहाँ की ईवीएम का प्रयोग होता था, वो आज के डेट में ईवीएम का प्रयोग करना बंद कर दिया। आखिर क्यों बंद कर दिया भाई, ये सवाल है। तो आप लोग क्या करिएगा ईवीएम से चुनाव? अभी हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझ गए ना? क्योंकि तो लोग क्या करेंगे, नहीं जाग वोट नहीं दे, समाज पहले जागरूक करेंगे तो समाज इसका आवाज उठाएंगे, हाँ। कि हमको जो ईवीएम से पारदर्शिता नहीं है, या तो बीपी पैड का पर्ची का काउंट कराइए साथ ही साथ, या तो फिर बैलेट पेपर से कराइए, समय जो भी लगे 10 दिन 15 दिन, लेकिन लोगों के दिमाग में एक शंका है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, या लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता, इससे हम संतुष्ट हैं। अभी तो बामन मेसराम उदित राज साथ में मिले हैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, इस पर हम लोग कोई सवाल नहीं करते। हम तो शुरू में बोल दिए थे कि जहाँ व्यक्ति है वहाँ तो स्वार्थ है, समझ गए ना? हम उस चीज़ को, हमारे बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया है, हम लोकतांत्रिक संगठन को पालन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों पैदा होना, कैडर पैदा करना है, इसलिए बामन मेसराम उदित राज के बारे में हम चर्चा हम लोग नहीं करते। आप भी बामसेप, वो भी बामसेप, नहीं बामसेप होना अलग बात है। आपने ही कह दिया कि बामन मेसराम का बामसेप, इसके मतलब बामसेप से ऊपर हो गया व्यक्ति, अब व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ स्वार्थ रहेगा। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम बामसेप है, हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा जब बैनर देखेंगे तो बाबा साहब और फुले साहब का फोटो नजर आवेगा, कोई भी जिंदा व्यक्ति का फोटो नजर नहीं आता, इसलिए हमारे यहाँ व्यक्ति जो है वो प्रमुख नहीं होता है, विचारधारा प्रमुख है, विचारधारा प्रमुख होता है। अच्छा, मोदी जी क्या ऐसा दिक्कत कर रहे हैं जिससे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में, ईवीएम के अलावे ऐसा कुछ है क्या? जैसे ईवीएम के अलावे है विधायकों के खरीद बिक्री करना, तो कांग्रेस के टाइम में भी होता नहीं, जैसे इसमें मास लेवल पर पहले ज्यादा होता था, पहले तो सुबह में कांग्रेस में शाम में भाजपा में, सुबह में इसमें जो दिखाई लोगों को पड़ रहा है उसमें इसमें ज्यादा होता है। आपके सरकार नहीं, आपके उम्मीदवार नहीं, जैसे अभी जो दिखाया गया यहाँ पर नगर निगम का जो चुनाव था, चंडीगढ़ में वो सीधा सीधी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आँख के सामने किया है, ये तो खतरा की बात है, जिसका उदाहरण है चंडीगढ़ का नगर निगम का चुनाव। तो चंडीगढ़ का चुनाव तो वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा जो है राज्य चुनाव आयोग करवाता है उसको। देखिए, राज्य चुनाव आयोग कराता है, लेकिन प्रेशर किसका रहता है? केंद्र सरकार का, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर तो प्रेशर है केंद्र सरकार का, ये समझना होगा। जैसे केंद्र जो चुनाव आयोग जो विधानसभा लोकसभा करवाता है वो तो नहीं करवाता है मेयर वेयर का चुनाव, मेयर वाला तो राज्य वाला करता है ना, राज्य चुनाव। लेकिन जहाँ पर भी उसी के पक्ष में क्यों किया, पक्ष उसका क्यों लिया भाई, इसके मतलब तो समझ हो गया, हल हो गया, तो हल हो जाना, लेकिन शंका हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट है, आप चूंकि बिहार में है, आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या सोचते हैं नीतीश कुमार? देखिए, मुख्यमंत्री जी, हम तो एक ही चीज समझते हैं
कि जिस तरह जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो हमारा संविधान के पहले था वर्ण व्यवस्था में कि सुदूरों का काम सेवा करना, जब बाबा साहेब ने संवैधानिक अधिकार दिया, जितने क्षेत्रीय पार्टी हैं चाहे वो यूपीए में हो चाहे एनडीए में हो, वो क्षेत्रीय पार्टी जो वर्णों के आधार पर हम लोग को सेवा करना था, चाहे वो यूपीए का जो है तथा कथित कांग्रेस को सेवा कर रहा है, एनडीए में है तो भाजपा का सेवा कर रहा है, सेवा करना, इससे सामाजिक समस्या का हल नहीं होना, क्योंकि इनको रहते रहते जो है वो पूरे समस्या आ गया है, चाहे वो पुरानी पेंशन को समाप्त हो जाना, चाहे निजीकरण आ जाना, चाहे लेटरल एंट्री आ जाना, कॉलेजियम आ जाना, मंडल कमीशन के सभी अनुशंसा नहीं लागू होना, एससी एसटी ओबीसी की बैकलॉग की बहाली नहीं होना, सब इनके सामने रहते रहते समस्या आया है, इसलिए इन लोगों से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारे लोगों का है कि समस्या मेरा राष्ट्रीय होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी की आज के डेट में एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, लोकतांत्रिक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बसपा है तो बहन जी की नहीं, वो भी सुपरमेसिव हो गया, अपने आइडियोलॉजी को चेंज कर दिया, जो उनका आइडियोलॉजी था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो सर्वजन हिताय सर्वन सुखाय हो गया, जो महापुरुषों का आइडियोलॉजी को बदल दिया वो हमारे लिए बिल्कुल काम नहीं है। और उसमें भी बसपा के कार्यकर्ता तो पूरा एक्टिव है लेकिन नेतृत्व खामोश है। जहाँ हम क्या बोले कि जहाँ व्यक्ति है वहाँ आदमी, संगठन रहेगा तो लोग पैदा होंगे, उन लोगों को लोगों की जरूरत नहीं है, खासकर बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत नहीं है। तो बहन जी अभी भी चाहेंगे अगर सड़क पे आ गई तो इतना कारवां हो जाएगा कि बड़ी बड़ी पार्टियां पानी पी लेंगी, है ना? बड़ी बड़ी पार्टियों को, भाजपा जैसी पार्टी है उसको बसपा पानी पिला सकती है अभी भी, लेकिन बहन जी निकलती नहीं घर से, अगर एक बार निकल जाए ना तो बीजेपी रैली और मोदी की भीड़ हवा हो जाएगी अगर बहन जी निकल गए, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। आप बहुजन समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए उसमें अब उनका काम करने का क्या तरीका है समझ गया नहीं, इस पर तो हम लोग विचार मने अच्छा, करते हैं। एक चीज हमको बता दीजिए, चूंकि लोग बामसेफ का मतलब अभी समझते हैं बहुत सारे लोग बामन मेश्राम, और आप बामन मेश्राम जी के प्रति आप लोग नहीं, हमको लगा कि आप उनके प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, तो बामसेफ वो अलग है आपका अलग है? हाँ बामसेफ तो मेरा अलग है, जो बामसेफ का जो सिस्टम है, जो बाबा हम पुरखों का आंदोलन अगर चला रहे हैं तो बाबा साहेब ने दिया है कि लोकतंत्र दिया, संविधान दिया है, लोकतंत्र दिया है, तो अगर हम जहाँ पर हैं हमारे अंदर लोकतांत्रिक चरित्र नहीं है तो समझिए कि पुरखों को हम लोग धोखा दे। आपके पार्टी के, आपके जो बामसेफ आपका है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में नितिन गोरनकर हैं और महासचिव संजय इंगोले, लेकिन इनका कार्यकाल होता है 2 साल का, 2 साल के बाद ये हटेंगे, अगला कोई आदमी आवेगा, हो सकता है हम ही आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, बन सकता है, लेकिन और सभी संगठनों में आप देखेंगे जहां व्यक्तिवादी है, अगर वो एक बार बन गया तो दूसरा बार का दूसरा नहीं मौका नहीं। जैसे आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, बन गए तो आजीवन चलेगा, वैसे बामन मेश्राम बन गए तो आजीवन चलेंगे। हमारे जिस संगठन में है या हमारे अंदर अगर लोकतांत्रिक चरित्र नहीं है तो समझिए कि हम समाज को धोखा दे रहे हैं। यही सब आपकी कमी जो होती है वो भाजपा की ताकत बन जाती है। सही बात, सही करना, सही बात करना। तो शुक्रिया आलोक जी बातचीत के लिए, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।